नमस्कार, आंखों देखे में आपका स्वागत है। झारखंड के गोड्डा जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। मेहरमा प्रखंड की हम खबर बताने जा रहे हैं, जहां मुख्तार अलीम एवं अंगद मंडल की रिपोर्ट दिखाए जा रहे हैं। यहां विनय महतो नामक व्यक्ति के साथ मुखिया एवं उनके पति के द्वारा धोखाधड़ी एवं उनके द्वारा पशु सेट घोटाले का मामला सामने में आया है। हम बताना चाहेंगे कि गोड्डा जिले के सिंघाड़ी गांव के मेहरमा प्रखंड के रहने वाले विनय महतो ने 2018 में ही पशु सेट बनाया, सरकारी स्कीम के तहत पशु सेट बनाया, जहां मुखिया नबीसा खातून एवं इनके पति साकिम अंसारी ने मिलकर इनसे 3,000 रुपये भी लिए ताकि इन्हें सरकारी फंड दिलाए जा सके, स्कीम वाली फंड दिलाए जा सके, और ये 3,000 रुपये भी रख लिए। और 2018 में सेट बनने के बाद आज कुल मिलाकर 20 मर्तबे जा चुके हैं। ये गरीब व्यक्ति मुखिया के घर की हमें अनुदान वाली राशि दिलाओ, तो इस स्थिति में वो टाल मटोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला घोटाले का प्रतीत तो हो रहा है। हम बताना चाहेंगे कि कर्ज लेकर बनाया गया सेड विनय महतो के द्वारा एवं इनके परिवार के द्वारा, और कर्ज वाले अब परेशान कर रहे हैं और आगे पशु खरीदारी में भी हो रहा है परेशानी। तो हम बताना चाहेंगे क्यों फेल होता है सरकारी स्कीम, क्यों गरीबों को लाभुक बनने से रोका जाता है। तो हम बताना चाहेंगे कि सरकार तो अपनी स्कीम चलाते हैं, पर ऐसे ही घोटालेबाज नेताओं के कारण, ऐसे ही घोटालेबाज जनप्रतिनिधियों के कारण गरीबों तक, लाभुकों तक नहीं पहुंच पाता है लाभ। हम बताना चाहेंगे कि मुखिया जी को ये भी पता नहीं है कि 3,000 रुपये वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप YouTube खोलें और चेक करें, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मनरेगा में पशु सेड निःशुल्क सेवा है, और इसे निःशुल्क आवेदन कैसे करें, जो प्रति परिवार 60,000 रुपये पशु सेट के रूप में दिए जाने हैं, इनका आवेदन भी निःशुल्क है और इसका सारा प्रक्रिया निःशुल्क है। ये 3,000 रुपया इन्होंने क्यों ली, और 3,000 रुपये लिए तो लिए, आज तक इन्हें अनुदान क्यों नहीं मिला। तो हम बताना चाहेंगे पीएम प्रधानमंत्री पशुपालन योजना 2019 में ही कई प्रकार के नियमावली लाए गए थे ताकि किसानों तक और पशुपालकों तक लाभ पहुंच सके। मोदी सरकार, पीएम मोदी सरकार का अनुदान 1,60,000 रुपये से 1,80,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जाना है, वो भी बिना किसी भी बिचौलिए के लगे, इसको सरकारी ढंग से अनुपालन करने की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ बताना चाहेंगे, मोदी सरकार दे रही है गाय भैंस रखने वालों को 1,60,000 रुपया पशु कार्ड क्रेडिट योजना, ये 2020 की स्कीम है, और यहाँ भैंस पालन के लिए सेड के लिए जहाँ 60,000 मिलना है, वहीं गाय पालन के लिए सेड के लिए 40,000 मिलना है, और बिना ब्याज 5,00,000 तक का लोन अवेलेबल है। ये पीएम मोदी की घोषणा है, और 1,65,000 वाले सब्सिडी डेयरी लोन की भी सुविधा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सुविधा से अगर गरीब और किसान वंचित हो रहे हैं, तो इसका दोषी कहीं ना कहीं स्थानीय प्रतिनिधि हैं और ऐसे मुखिया लोग हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई अति आवश्यक है। ऐसे मुखियाओं को जेल भेजना चाहिए जो गरीबों का हक मारी कर रहे हैं। ऐसे प्रतिनिधियों को तुरंत इन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ तो संवाददाता सहित यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, विनय महतो का कहना है कि कार्रवाई हो उन लोगों पर, और ये तो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से, लेकिन हम सीधा सीधी प्रधानमंत्री से गुहार लगाना चाहेंगे कि आपकी अनुदान राशि कहाँ जा रही है, किसानों को जा रही है या फिर आपके ही नेता के पेट भर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार महतो है। अच्छा, तो क्या मामला है, क्या वाक्य है आप बताएंगे हमारे चैनल को, या प्रदर्शन से बताइए। आज से 3 साल पहले मुख्यापति श्री साकिब अंसारी, उससे बात हमको बकरी सेट दीजिए, तो बोले 3,000 रुपया लगेगा तब बकरी सेट पास होगा। 3,000 मैंने दे दिया, उसके बाद बोला कि 8-10 दिन के बाद आप अपना काम कीजिए, आपका पास हो गया है, आप अपना पैसा से घर से लगा के कीजिए, जब मिलेगा देंगे। अच्छा, तो आपने पैसा से सब टोटल खर्चा किया। अच्छा, तो टोटल जो खर्चा किया है, तो क्या इसका पेमेंट आपको कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ नहीं मिला, कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ, एक रुपया भी नहीं मिला।
एक रुपया नहीं मिला है। तो फिर ये अगर एक रुपया भी नहीं मिला है तो सर ये फिर ये कैसे इंतजाम किया आप, यहाँ का मटेरियल है या ईंट है या फिर ये जो टीन दिखाई दे रहे हैं बांस वगैरह है, तो इसका इंतजाम आप कैसे किए? अपने कर्ज किया है, कर्ज उठा के। अच्छा, तो क्या इस बीच में जैसे ये पशुपालन पूरा तैयार होने के बाद जो बकरी शेड है या देखते हैं पशु भी है, तो इसको क्या पूरा मुकम्मल होने के बाद पूरा तैयार होने के बाद क्या मुखिया के पास नहीं गए आप इसके मुझे मांगने के लिए कि सर हमको पैसे दीजिए हम बना चुके हैं ऐसा, तो क्या बोल रहे हैं? हमेशा जाते हैं टाल मोटर कर रहे हैं कि मिलेगा टाल मोटर करते रहे, पैसा बहाना करते रहे, ऐसे पैसा देने का बस दुर्गा पूजा काली पूजा छठ पूजा इसी तरह करते करते तीन साल के लिए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मेरा पैसा मिले, जो मेरा खर्च लगा था सब मिले। ये क्या चीज है? आवेदन है। तो ये आवेदन किसको दीजिएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी और एक है अनुमंडल पदाधिकारी, एक ठो जिला उपायुक्त महोदय और मुख्यमंत्री सभा सबको देने जा रहे हैं। तो हम इस वक्त ग्राम पंचायत सिंघारी में जो मेहरमा प्रखंड के अंतर्गत आता है ये बस्ती, तो हमने उनसे ये जाना तो उनका कहना यही है कि हमने जो है आज से तीन साल पहले यानी 2018 या 19 का वाकया हो सकता है ये कि जो यह पशुपालन का जो एक स्कीम चला था, एक अभियान चला था, तो उसमें जो है इसने क्या नाम बताया, विनय कुमार महतो ने जो है पशुपालन का जो स्कीम जो चला था तो उसमें इसने पशुपालन को तैयार किया, जिसमें मुखिया ने जो यहाँ के मुखिया सदस्य है उसने कहा था कि हम जो है इसका पेमेंट करेंगे बकरी से, लेकिन पेमेंट तो अभी तक हुआ नहीं है और ये बेचारे गरीब है, इसने अपने अपने जेब से या अपने कर्ज लेकर या जैसे भी इंतजाम करके जो है पशु शेड को तैयार किया, लेकिन अभी तक इनको पेमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे हालात है और ऐसे वाकयात है, तो हम जो लोकल पदाधिकारी है हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि इन सब चीजों पर ध्यान दें, इन सब चीजों की जाँच होनी चाहिए कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रहा है। अफसोस होता है कि एक स्कीम निकालने के बाद सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई जांच पड़ताल नहीं करती है, तो हम बार बार अनुरोध करते हैं जो यहाँ के पदाधिकारी है या यहाँ के सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं कि वो कोई भी स्कीम जब पास करता है तो साथ ही उसको पूरा होने के बाद उसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। मैं मोहम्मद मुख्तार आलम, आंखों देखी। तो आपने सुना विनय महतो की बातें, किस प्रकार से मुखिया पति के द्वारा ये ठगी के शिकार हुए हैं, आखिर सरकारी योजना का क्या होगा, देश का क्या होगा जब ऐसे स्थानीय नेता ही लोगों को लूटने का कार्य करेंगे, तो आखिर देश का विकास कैसे होगा। एक तरफ विकास की झड़ियां लगा रहे हैं पीएम और सीएम, लेकिन यहां तो जमीन पर क्या स्थिति है जब तक ऐसे लोगों पर शिकंजे नहीं कसे जाएंगे, हमारे किसानों की हालत, हमारे पशुपालकों की हालत कभी सुधरने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। आंखों देखी।